करप्शन केस में गिरफ्तार मोनिस इलाही के दोस्त सुहेल असगर अवान गुजरावाला एंटी करप्शन की हिरासत से फरार हो गए। मुलजिम को दो रोजा रिमांड के लिए एंटी करप्शन के हवाले किया था। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख। सलीम शेख, यकीनी तौर पर ये एक बड़ी अजीब सा मामला यहाँ पर हो गया है। मुलजिम को दो रोजा रिमांड के लिए एंटी करप्शन के हवाले किया गया था, हिरासत से ये फरार हो गए, क्या बताया जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल, मोनस रही के जो दोस्त हैं सुहेल असगर अवान, ये एंटी करप्शन की हिरासत में थे और इनको दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन गुजरावाला के सपोर्ट किया गया था। इनको गुजश्ता रात जो है वो तकलीफ हुई, जिसकी बिना पर जो है इनको अस्पताल जाया गया और अस्पताल जाते हुए जो है ये फरार हो गए। और इस सिलसिले में जो है एंटी करप्शन हुकाम ने जो है इंक्वायरी शुरू कर दी है और कहा गया है कि अगर इसमें कोई ऐसा शख्स जो कि एंटी करप्शन का होगा मुलव्वज़ हुआ तो उसके खिलाफ कोई यकीनन कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए महकमाना कार्रवाई की जाएगी। और इसमें वाजह बात यह है कि ये मोनस राय के जो दोस्त हैं सुहेल असगर अवान, ये मोनस राय भी इस मुकदमे में नामजद है और इस मुकदमे में जो है चौधरी फैज राय भी नामजद है जिसमें ये फरार हुए हैं। जी जी बहुत शुक्रिया सलीम शेख, इसकी तफसीलात आपने फराहम की। आगे बढ़ेंगे।